Hey guys, this is रमन राय and I'm back with the another video. Welcome back to my channel, रमन राय फिटनेस. तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे. तो गाइस बहुत टाइम हो गया हमको एक दूसरे को जानते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि फालतू इंट्रो या कोई प्रोमो डालने की जरूरत है वीडियो में. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. मेरे पास बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही थी बहुत सारे बच्चों की, भैया आपने वर्कआउट पर बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए बट डाइट पर नहीं बनाई है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या खाएं कैसे खाएं. तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों को बताने वाला हूँ कि पूरे दिन में क्या खाना है वेट गेन करने के लिए. स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. और गाइस इस वीडियो में आपको मैं खा के तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपके इंटरेस्ट के लिए मैं इसमें पिक्चर्स लगा दूंगा. तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे. तो गाइस आपको क्या करना है, सुबह उठते हो, जब भी आप उठते हो, जो भी आपका टाइमिंग है सबका थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो जब भी आप उठते हो तो उठते क्या करना है, बहुत से लोग गलती करते हैं कि उठते पहले जाके अपना ब्रश करने लग जाते हैं, कुल्ला करने लग जाते हैं, वो नहीं करना, उससे आपकी बहुत बड़ा लॉस होता है. वो क्या होता है, जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे मुँह में सलाइवा बनता है, उसके अंदर होता है क्या, उसके अंदर होता है इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. तो आपको ध्यान रखना उसको वेस्ट नहीं करना, उठते ही पहले आपको अच्छे से पानी पीना है ताकि वो सारे इंजाइम्स आपके पेट में जाके अच्छे से वो वर्क कर सके. तो उठते ही पहले आपको पानी पीना है, फिर आपको फ्रेश होना है, जो भी होना है. उसके बाद आपको पहली मील लेनी है शेक. आपको वेट गेन करना है तो गाइस आपको मैं सुपर शेक बताने वाला हूँ, होममेड मास गेनर शेक. मास गेनर सप्लीमेंट से पैसा वेस्ट करना बंद करो, इसको बना के पियो. कैसे बनाना है इसको, आपको लेना है एक जार, जार के अंदर डालना है आपको आधा लीटर दूध, दूध के अंदर डालना है आपको एक स्कूप ओट्स और एक टेबलस्पून हनी डालना है आपको, एक टेबलस्पून डालना है पीनट बटर, और आपके पास कोई भी सीड्स अवेलेबल हैं, अगर चिया सीड फ्लैक्स सीड तो थोड़े से चिया सीड फ्लैक्स सीड डालने हैं, और कोई भी एक सीजनल फ्रूट डालना है, चाहे वो मैंगो हो, बनाना हो, एप्पल हो, जो दिल करे आपका वो डालो उसके अंदर. और उसके क्या करना है आपको, इसके साथ उसको ब्लेंड करना है. ब्लेंड करने के बाद आपका एक बहुत ही टेस्टी शेक मिलके तैयार हो जाएगा आपका. अगर आपको नहीं पता है शेक बनाना, पूरा रेसिपी देखने तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने वो शेक होममेड मास्गेनर शेक डाल रखा है, वो आप देख सकते हो. अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाएगी इसमें आपको, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और जो उसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और आपको हेल्दी फैट भी मिल जाएगा इससे. तो एक गुड बैलेंस मील हो जाएगी आपकी पूरे दिन की स्टार्टिंग की. उसके बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की. तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है आपको, ब्रेकफास्ट में लेना है गाइस ओट्स. अगर आप ओट्स लेते हैं तो ओट्स लेना है आपको, अगर आप दलिया खाते हैं तो दलिया लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो ओट्स से दलिया. उसको बॉईल करना है अच्छे से, मिल्क के अंदर बॉईल कर लो या पानी के अंदर बॉईल कर लो. उसके बाद उसके अंदर इसको, उसमें कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट डालो उसके अंदर दोबारा से. उसके ऊपर एक टेबलस्पून हनी डाल दो, एक टेबलस्पून पीनट बटर डाल सकते हो, और थोड़े से चिया सीड, फ्लैक्स सीड, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो उसके अंदर. अगर आपको इसकी भी रेसिपी देखनी है तो ब्रेकफास्ट भी लाइव बटन पर लिंक आ रहा होगा, ये रेसिपी इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप. आपको ये मील बनानी है, इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट मिल जाएगा. ये भी एक गुड बैलेंस मील है आपके लिए. इसके बाद बारी आती है गाइस लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद, जो आपको शॉर्ट क्रेविंग होती है, छोटी सी भूख लगती है, थोड़ी सी भूख लगती है कि कुछ खा लूँ मैं, उसमें क्या गलती करते हो आप, वेफर्स, जंक फूड, कुछ भी खा ले तो वो नहीं करना. आपको क्या करना है, सुबह जो आप शेक बनाते हो अगर आपको हैवी होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वो आपको इस टाइम पर पीना है. अगर वो पूरा पी लेते हो तो आपको इस टाइम पर कुछ भी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा सकते हो या फिर कॉफ़ी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है ग्रीन टी, और कोई भी फ्रूट खा सकते हो या फिर जूस पी सकते हो. ये दो तीन ऑप्शन हैं, आपको जो सी लगे वो करो आप. उसके बाद बारी आती है आपके लंच मील की, जो आप 1:30, 2:00 या 3:00 जिसका जैसा शेड्यूल है वो करता है. 3:00 आपको क्या करना है, और 2:00 आपको क्या करना है लंच में, लंच में आपको लेना है वाइट राइस या ब्राउन राइस, जो भी आपके घर में अवेलेबल है. कोई सरदर्दी नहीं लेनी कि ब्राउन राइस ही खाना है या वाइट राइस ही खाना है, जो अवेलेबल है आपके घर में वाइट राइस या ब्राउन राइस वो लेना है आपको, 2 बाउल कम से कम, जितना खा सके अच्छे से. उसके बाद 1 बाउल दाल लेनी है आपको, दाल वाइट हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, येलो हो, कोई से भी दाल हो, कोई मैटर नहीं करता, सब में न्यूट्रिशन की वैल्यू सेम ही होती है. तब को एक बाउल राइस, 1 बाउल बॉईल दाल, और क्या करना है आपको, साथ ऐड करना है ग्रीन सैलेड. ग्रीन सैलेड में क्या होता है, फाइबर्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. और इसके साथ आपको लेना है 1 कटोरी दही. दही के बहुत सारे फायदे हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी बॉडी को ठंडा रखती है. इसमें भी, इस मील में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और गुड फैट्स मिल जाते हैं. उसके बाद बारी आती है आपके स्नैक की. स्नैक में आपको क्या करना है, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेने हैं. लंच के बाद जो स्नैक का मील आता है आपका, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, उसके अंदर पीनट बटर लगाना है, 1 बनाना काट के स्लाइस करके डालना है. इसकी वीडियो भी दिख जाएगी आपको आई बटन पे, और उसको एक सैंडविच टाइप का बना के वो खाना है. उसमें आपको गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं अच्छे, जो आपके एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है. और उसके बाद बारी आती है आपके पोस्ट वर्कआउट मील की, प्री वर्कआउट मील की. जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं तो प्री वर्कआउट मील में आपको क्या खाना है, प्री वर्कआउट मील में आपको चाहिए होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपके वर्कआउट में आपको हेल्प करें. फैट आपको बिल्कुल नहीं खाना, याद रखना आपको पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट में फैट नहीं खाना है.
तो प्री वर्कआउट मील की बारी आती है, इसमें लेना है आपको, आप इसमें एक बनाना ले सकते हो कार्बोहाइड्रेट के लिए, और प्रोटीन के लिए आप पनीर यूज़ कर सकते हो, या थोड़ा सा दूध पी सकते हो, या टोफू यूज़ कर सकते हो, साथ में बॉयल आलू ले सकते हो, और स्वीट पोटैटो भी ले सकते हो आप, और थोड़ा सा वाइट राइस भी ले सकते हो, इनमें से थोड़ा सा मिक्स करके ले सकते हो सबको थोड़ा थोड़ा, या फिर कुछ भी एक चीज़ ले लो उसके अंदर से आप, ठीक है। उसके बाद आपको करना है वर्कआउट, वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट आप अगर सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, आपका बजट है तो बी सी डबल या अमीनो जो भी यूज़ करते हैं वो करो, अगर वो नहीं है तो ग्लूकोन डी यूज़ करो, वो भी नहीं है तो पानी तो ज़रूर पीना है आपको, क्योंकि गाइस पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको वेट गेन करना है तो भी बहुत सारा पानी पीना होगा, दिन में कम से कम 5 लीटर से 6 लीटर तो पानी अच्छे से पिए, अपना हाइड्रेट रखें, अपनी बॉडी को मसल को हाइड्रेट रखें। और उसके बाद आपका आता है बारी पोस्ट वर्कआउट मील की, जिम के बाद वर्कआउट के बाद आपको पोस्ट वर्कआउट मील में क्या करना है, दोबारा अगेन हमको डालना है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट नहीं खाना। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम एक बनाना ले लेंगे, और प्रोटीन के लिए हम लेंगे पनीर, पनीर नहीं है तो टोफू, टोफू नहीं है तो 1 गिलास दूध बस। उसके बाद बारी आती है आपके 1 से 2 घंटे बाद 10 से 11 बजे जो भी टाइमिंग हो आपका डिनर का, डिनर आपको लाइट खाना है, डिनर में ज़्यादा नहीं खाना नहीं तो आपका पेट पेट का कद्दू बन जाएगा, ध्यान रखना आपको कि डिनर लाइट करना है थोड़ा सा। तो डिनर में आप यूज़ कर सकते हो स्प्राउट्स ले सकते हो थोड़े बहुत, अगर स्प्राउट्स नहीं लेते आप तो ग्रीन सैलेड लो, ग्रीन सैलेड के साथ आपको कर्ड थोड़ा सा कर्ड ले सकते हो, और साथ में ले सकते हो पनीर ले सकते हो, पनीर नहीं तो फिर आप सोया ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हो, वो भी नहीं तो आप चिक पीज ऐड कर सकते हो, आप रोज़ बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा किसी दिन चेंज करके ले सकते हो, किसी दिन आपने चिक पीज ले ली, किसी दिन राजमा ले लिया, किसी दिन ब्लैक चने, वाइट चने, और सोयाबीन की दाल, ये सब चीज़ें ले सकते हो। और आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है, ज़्यादा भूख लगती है तो 1 से 2 चपाती ले सकते हो, पर ज़्यादा नहीं खाना आपको, पर ग्रीन सैलेड ज़रूर ऐड करना अपनी डाइट में ताकि फाइबर्स मिले आपको और आपका डाइजेशन अच्छा रहे। तो गाइज ये थी आपके डिनर तक की मील। अब आपकी लास्ट मील आती है पूरे दिन की बिफोर बेड मील, जो आपको सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले लेनी है। उसमें आपको चाहिए होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमको चाहिए होता है स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो, धीरे धीरे हमारी बॉडी को पूरी रात न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन और फैट, हेल्दी फैट, हेल्दी फैट्स हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं फैट से, उनको फैट चाहिए होता है हेल्दी फैट। तब वो क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो एक अपने वे प्रोटीन को दूध में मिला के पी सकते हैं, वो केसिन प्रोटीन बन जाएगा, जो केसिन प्रोटीन लेते हैं वो केसिन प्रोटीन पी के सो जाए, जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं करते हैं उनको 1 गिलास दूध पीना है। और फैट के लिए क्या खाना है, अगर आपके पास पीनट बटर है तो आप 1 चम्मच पीनट बटर ले सकते हैं, या रॉ पीनट ले सकते हैं, या ऑलमंड है तो आप ऑलमंड ले सकते हैं, या फिर वॉलनट्स है तो ज़्यादा बेस्ट है वॉलनट ले सकते हैं, 2-3 वॉलनट ले लें, या अगर बादाम है तो 3-4 बादाम ले लें आप, थोड़े से 1 हैंडफुल पीनट बटर ले लें, और पीनट बटर है तो 1 चम्मच पीनट बटर बस, और 1 गिलास दूध, ये आपके बिफोर बेड मील है, ये खा के आपको सो जाना है, सुबह उठोगे फुल एनर्जेटिक। तो गाइज ये शेड्यूल था बिगनर्स के लिए स्पेशली, इनको समझ नहीं आता क्या खाना क्या नहीं खाना, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए। तो गाइज़ इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है वेट गेन करने के लिए। जो भी मैंने मील्स बताई हैं सुपर मील्स, गाइज आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, बट आपको जिस टाइम पे जैसे बताया मैंने उस टाइम पे उतना उतनी क्वांटिटी में ही वैसे खाना है। या नॉन वेजिटेरियन है आप, या फिर मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं आप, तो कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको गाइस मील खाते हुए देखनी है वीडियो पूरी प्रॉपर वीडियो वैसे चाहिए तो भी आप कमेंट करो, मैं वैसे वीडियो तो बना दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी फिट फॉर लाइफ।